फरीदाबाद एनआईटी क्षेत्र के सी ब्लॉक में चुनाव के दौरान भाजपा विधायक सीमा त्रिखा और अवतार भड़ाना के परिवार के बीच जमकर गर्मा गर्मी हुई। अवतार भड़ाना के परिवार का आरोप है कि भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उनका कहना है कि बूथ पर भाजपा कार्यकर्ता बैनर पोस्टर लेकर प्रचार करने में लगे हैं। इसी को लेकर हंगामा हुआ जिसमें जैसे तैसे लोगों ने बीच बचाव करवाया। हम अपने यहाँ देख रहे थे कि कैसी चल रही है, सब जगह बढ़िया चल रही थी। हम यहाँ आए, इन्होंने इतनी लंबी लगा रखी थी टेबल, उस पे थे बीजेपी के पटके झंडे, लोग एजेंट्स ने वो पहन रखी थी पटके गले में। मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, वीडियो दिखाती हूँ, मैं आपको वीडियो देखिए। ये सब हमने आके पर्चियाँ देखिए, इन पर्चियों की इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट हो चुकी है। ये पर्चियाँ भटके कैंडिडेट की फ़ोटो के साथ छप रहे हैं और फिर हमें देख के लोग भाग रहे, ये अलाउड है सर? तो आपने इतना जतलाया तो जी, हमसे बदतमीजी की जा रही है और सीमा त्रिखा जी कह रही है मैं करवाऊंगी, गुंडागर्दी कर रही है। ऐसे कैसे, ये लोकतंत्र ऐसा है क्या सर? ये बीजेपी क्या चाहती है, लोकतंत्र ना रहे? तो अभी वोटिंग रुकी हुई है, अभी वोटिंग रुकी हुई है, हमने इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट कर दी गई है और उस पर एक्शन लिया जाएगा। अधिकारी आए हैं? अधिकारी आए हैं सर, अब क्या ही बताएं। अधिकारी अपना काम कर रहे होते तो ये हो जाता सर, गलत है सर। तो अभी आपने इलेक्शन कमीशन को की है इसकी कंप्लेंट? हाँ जी, हमने इसकी कंप्लेंट की है, अपने लॉयर्स को भेजी है, ये वीडियो फुटेज हमारे पास है, मीडिया के पास है। मैं अपील करना चाहूंगी सारे मीडिया वालों से, हम नहीं कहते किसी को वोट दो या मत दो, मीडिया वालों से कहीं भी दे, हम कहीं भी दे, कोई कहीं भी वोट दे, पर अगर पोलिंग एजेंट्स के बाहर गुंडागर्दी होगी, बदतमीजी होगी और इलेक्शन कमीशन का उल्लंघन किया जाएगा, उसकी तौगीन की जाएगी, तो हम कड़े शब्दों में उसका विरोध करेंगे और हम वही कर रहे हैं, ये हमारा हक है। वही जवाब में भाजपा विधायक सीमा त्रिखा ने कहा कि हारने वाले लोग इस तरह के हंगामे करते रहते हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अवतार भड़ाना के परिवार ने काउंटर पर रखे उनके बस्ते उठाकर क्यों फेंक दिए। मैं मेरे यहाँ पहुँचने से पहले ये भारतीय जनता पार्टी का यहाँ टेबल लगा हुआ है और मेरे को मेरे सहयोगियों ने बताया कि इनके बस्ते किन लोगों ने फेंके थे भाई? बस्ते किन लोगों ने फेंके, कौन से लोग थे? हम तो वोट देने आए थे तो हमने देखा कि बैग वगैरह फेंक रहे थे। परली पार्टी के लोग बीजेपी के बस्ते उठा करके फेंक रहे थे। मैं भी मौके पर नहीं थी, मैं आई हूँ तो मेरे को इन सारे सहयोगियों ने ये सूचना दी। बात सबसे बड़ी ये है कि अगर आप ये बात बोलोगे कि ये भगवे रंग का थैला है तो आपके पीछे उस भाई ने भगवे रंग की कमीज पहन रखी है तो क्या उतरवा दोगे? अगर आप हमें भगवाई बोल रहे हो तो मुझे बताओ कि आप कैसे बदलोगे ये सब कुछ। तो ये जो है मानसिकता जो है, असल में जब किसी व्यक्ति को लगता है ना कि वो शायद छोटा बच्चा कैरम बोर्ड में हार रहा होता है तो वो गीटी को बिखेर देता है। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है वही काम करने का एक प्रयास किया गया कि हम भी यहाँ खड़े हैं। मैं आपके माइक से कह रही हूँ, जनता का सबसे बड़ा अधिकार है लोकतंत्र में वोट डालना। और मैं आपके मंच से आज बोल रही हूँ, आपके माइक से बोल रही हूँ कि कोई पार्टी का नाम नहीं दे रही, इनका मन जहाँ हो ये वोट डालें ज़रूर। किसी का भी वोट रुकना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी के भी पक्ष में जाए, इस चीज से लेना देना नहीं। आरोप है, वायलेशन का आरोप है, वो कहाँ तक सही है? मैंने तो आपको वायलेशन में बताया, यहाँ पे देखो, अब तुम ये हमारा टेंट नहीं है, हमारा तो इधर है, अब ये पीला और भगवा उतरवा दोगे क्या? मुझे बताओ, आप हमें भगवे से जोड़ोगे तो आप तो सूरज भी निकलना रुकवा दोगे। स्टिकर और बैनर्स की बात कर रहे हैं, स्टिकर कहाँ है? मैं तो आपने आप चेक करें कहाँ स्टिकर, मुझे तो दिख नहीं रहे, मुझे दिख नहीं रहे। लोगों ने कमल के फूल की अगर बाहर, मैंने अभी तक नहीं देखा किसी को। और आप भी अपना माइक, अपना कैमरा घुमाए, क्या था, एक दूसरे को उंगली दिखाने की भी नौबत आ गई? वो उंगली दिखाने की नौबत नहीं आई, मेरी बहुत आदरणीय है, मेरी उम्र से जो भी बड़ा है मैं उसको बहुत आदरणीय मानती हूँ, जो मेरे से गुणों में ऊपर है उसे भी आदरणीय जगह देती हूँ। बड़ी बहन है दया दीदी, तो दया दीदी यूं करके बोल रही थी,
कि भाई गुंडन ते मरवाओगे, गुंडन ते काम मरवाने की बात हो रही, वोट डालने की बात हो रही है, तो हमने तो कुछ कहा ही नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं, सारी जनता को बोल रही हूँ, कोई भी आदमी ऐसा ना रहे जिसका वोट ना जाए। वोट जिसको डालना आपकी अपनी मर्जी है। और आज वैसे भी एक बात है, मदर्स डे है, माँ से बराबर की जिम्मेवारी मातृभूमि के लिए होती है। मातृभूमि और माँ की शरण में सबको रहना पड़ता है। अभी वोटिंग चालू हो चुकी है, वोटिंग चालू हो चुकी है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रही है। पर्ची दे दो।